दोस्तों, अगर आप YouTube को यूज करते होंगे तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube के कुछ सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको जरूर पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, YouTube में कुछ वैसे सेटिंग होते हैं जिन्हें ऑफ ऑन करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने यूट्यूब एप्स को। फ्रेंड्स, यूट्यूब एप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी वीडियो आता है वो ऑटोमेटिक प्ले होने लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्ले होने लग रहा है। दोस्तों, इस तरह से वीडियो प्ले होने से आपकी फोन की डाटा काफी खर्च होने लगती है। साथ ही अगर आप उसका थंबनेल देखना चाहें तो आप उसका थंबनेल भी नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप ऊपर इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा, देन आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स। और यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जनरल का। तो यहाँ पे आप जनरल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लेबैक इन फीड। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। डिफॉल्ट रूप से ये ऑलवेज पे टिक रहता है। अगर आप इसे यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक कर देते हैं तो फिर आप वाईफाई से जैसे ही कनेक्ट होंगे तो ये ऑटोमेटिक वीडियो प्ले होने लगेंगे आपके फीड में। अगर आप इसे हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर दीजिएगा। ये सेटिंग यहाँ से सेव हो जाता है। अगला दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है अपीयरेंस का। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी YouTube की थीम को डार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डार्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब हमारा YouTube का थीम डार्क हो चुका है। यहाँ से फिलहाल हम इसे लाइट मोड में ही ओपन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप देखते होंगे कि YouTube पे आप जो भी वीडियो को प्ले करते होंगे तो वीडियो को प्ले करने के बाद आप उसे जूम करते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को यहां से ऑन कर देंगे, अगर ये ऑफ है, यहां से आप इसे ऑन कर देंगे तो अब जो भी वीडियो आप YouTube पे प्ले करेंगे तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है रिस्ट्रिक्ट मोड का। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर दीजिएगा तो YouTube पे कुछ वैसे कंटेंट होते हैं जो बिल्कुल गंदे किस्म के होते हैं, वो फिल्टर हो जाएंगे, वो आपको YouTube में नहीं दिखलाई देंगे। वैसे कंटेंट जो 80 प्लस होते हैं वो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। यहाँ से अगर हम आते हैं बैक तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाटा सेविंग का। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर आप अपने YouTube में डाटा को सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी MB कम खर्च हो और हम वीडियो को देखते रहें, तो यहां से आप इसे ऑन करके और आप इस ऑप्शन को यहां से कस्टमाइज कर दीजिएगा। जैसे यहां से अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आपकी जो भी वीडियो प्ले होंगी उसकी क्वालिटी रिड्यूस होकर प्ले होंगी, मतलब कि वो फुल HD में प्ले नहीं होगा। तो यहाँ से आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं फिर से बैक। दोस्तों, यहाँ पे अगला ऑप्शन है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, क्लियर वॉच हिस्ट्री और क्लियर सर्च हिस्ट्री। आप जो भी YouTube पे वीडियो को देखते हैं तो उसका एक हिस्ट्री तैयार होते जाता है। आप लाइब्रेरी में देखे गए वीडियो की हिस्ट्री देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे है एक क्लियर सर्च हिस्ट्री। आप जो भी YouTube पे वीडियो को सर्च करते हैं तो उसका एक हिस्ट्री बनते जाता है और वो हिस्ट्री सेव हो जाता है। बाद में कोई भी व्यक्ति आपकी डिवाइस लेकर आपकी YouTube की सर्च किए गए सारे वीडियो के हिस्ट्री को देख सकता है। तो आप वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री दोनों को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लियर वॉच हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपकी वॉच हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्लियर सर्च हिस्ट्री, तो यहाँ से आपकी सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री दोनों क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो देखें उसका कोई वॉच हिस्ट्री न बने, या फिर हम जो भी वीडियो YouTube पे सर्च करें तो उसका सर्च हिस्ट्री न बने, तो आप सिंपली यहां से इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। यहां से इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा और आप जो भी YouTube पे वीडियो को सर्च कीजिएगा। और अब आप अपने यूट्यूब पे जो भी वीडियो को सर्च कीजिएगा या फिर आप जो भी वीडियो को देखिएगा तो उसका कोई भी न वॉच हिस्ट्री बनेगा न सर्च हिस्ट्री बनेगा। इसके बाद यहाँ से हम आते हैं बैक, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी YouTube की नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको एक ही टाइम में मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है शाम को 7 बजे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, आप जितने बजे अपने यूट्यूब की सारी नोटिफिकेशन चाहते हैं यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम फिर से आते हैं बैक।
तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लाइव चैट का। अगर आप YouTube पे कभी भी लाइव चैट करते होंगे तो कुछ वैसे लोग होते हैं जो आपकी लाइव चैट करते समय कुछ गलत कमेंट कर देते होंगे, तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा तो वो कमेंट डायरेक्ट पब्लिश नहीं होगा, वो रिव्यू के लिए रहेगा। जब आप उसे अप्रूव कीजिएगा तभी वो पब्लिश होगा, बाय द वे वो पब्लिश नहीं होगा। यहाँ से हम फिर से आते हैं बैक। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे ये YouTube में डिफॉल्ट रूप से ऑटोपेटिक रहता है। ऑटोपेटिक रहने से होता क्या है कि आपकी नेटवर्क के स्पीड के अकॉर्डिंग वो वीडियो प्ले होने लगता है, मतलब कि काफी अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की नेटवर्क मिल रही होगी तो वो वीडियो बिल्कुल HD में प्ले होने लगता है। तो यहाँ से आप चाहे तो इन सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप टिक कर दीजिएगा तो वो वीडियो हमेशा ही हाई क्वालिटी में प्ले होगा, लेकिन उससे आपके मोबाइल के डाटा काफी खर्च होने लगेंगे। अगर आप अपने यूट्यूब की डाटा को सेव करना चाहते हैं, आप ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं कि हमारी वीडियो थोड़ा लो क्वालिटी में प्ले हो और हमारी MB ज्यादा खर्चे नहीं हो, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों आप वाईफाई से जब कनेक्ट हो तो यहाँ पे आप उसी तरह से सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये थी YouTube की कुछ इंपोर्टेंट सेटिंग, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो के काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में WhatsApp Facebook ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।